उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश में भी नदी में तैरते हुए कुछ शव मिले हैं। ये शव कोरोना मरीजों के हैं या नहीं, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। यह नदी यूपी के बांदा जिले से सीमा से सटी है, इसीलिए आशंका है कि ये शव यूपी से बहकर आए हैं। रूंज नदी में अचानक करीब आधा दर्जन लाशें देखने से ग्रामीणों में भय का माहौल निर्मित है। इस डर से लोग नदी के पानी को जानवरों को पिलाने एवं अन्य कार्यों के लिए नहीं ले जा रहे हैं। रूंज नदी पन्ना के पहाड़ों से होती हुई निकली है, जो पांडे पुरवा आरामगंज नया गांव होते हुए उत्तर प्रदेश के बड़ेछा में यह दूसरी नदी में विलय हो जाती है। ग्रामीणों के अनुसार 3-4 दिन से ग्रामीण देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत नंदनपुर के पास गांव से लगी हुई रूंज नदी में लगभग आधा दर्जन शव पानी में पड़े हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत सचिव, सरपंच व जिम्मेदार अधिकारियों से की गई है, पर इसकी किसी ने ध्यान नहीं दिया है। ग्रामीणों को आशंका है कि गांव में कोरोना से मरे मरीजों को दाह न देकर नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। प्रशासनिक अमला इस अमले की जांच में जुट गया है। यहाँ नदी में लिहाजे पड़ी है, जैसे अब हमें नहाना है तो पानी दूषित है, पानी यहाँ का पीते भी है जब हैंड पंप खराब हो जाएगा, जानवर भी यहाँ का पीते हैं। यहाँ 5-6 लाशें पड़ी हैं, 5-6 दिन हो गए। ये ग्राम पंचायत के तहत की है, अभी उसका कोई वो ही नहीं हुआ है। हम चाह रहे हैं कि अब लास्ट है जो प्रशासन इसकी तरफ शायद कुछ ध्यान दे। हाँ, और ये जो लिहासों को देख के सुन के पूरा गांव दहशत में है कि पानी पिएंगे तो पिएंगे कहाँ, जब हैंडपंप हमारे खराब हो जाएंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।